नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम सहरसर शाहिंग बाग में आप सबों का स्वागत है। जी हाँ, शाहिंग बाग की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि पूरे देश के तर्ज पर बिहार के भी हर जिला मुख्यालय पर, हर छोटे शहरों पर भी एनआरसी और सीए के खिलाफ आंदोलन प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस प्रोटेस्ट के क्या राजनीतिक मायने हैं, या फिर इस प्रोटेस्ट को सिर्फ राजनीतिक मायने के तरीके से ही देखा जा सकता है, या फिर जो आक्रोश है या जिस तरीके से लोग सड़कों पर उतरे हैं वो भी उसकी क्या सच्चाई है, इन सब चीजों को हम एक तरीके से समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस आंदोलन में अगर हम एक खास चीजें देखने को मिली है, ये एक अद्भुत सहयोग नहीं कह सकते हैं। ये इस तरह से इतने हजारों हजार की संख्या में मुस्लिम महिलाओं सर के ऊपर है, जिस मुस्लिम महिलाओं को लेकर तीन तलाक से सियासत की शुरुआत हुई थी, और आज वही महिलाएं आज सीए और एनआरसी के खिलाफ सड़कों पर है। पूरे देश में ये स्थिति है। हम बिहार में भी इन चीजों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में ये जो आंदोलन को दिशा देने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई में जो कहे जा रही है, जो जो तर्क दिए जा रहे हैं, उस तर्क के आधार पे अगर इस समझने की कोशिश की जाए, ये हमारी कोशिश होगी कि पूरे बिहार में जहां जहां आंदोलन हो रहा है, इस खास कार्यक्रम शहर शहर शाहीन बाग के तहत हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचती हैं, क्या उनकी समझदारी क्या है, और किस उद्देश्य से यहाँ पे ये आंदोलन के लिए किस तरीके से घर छोड़कर अभी इस कड़ाके के ठंड में लोग यहाँ पर बैठे हुए, ताली के गड़गड़ाहट को भी आप महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से, लेकिन साथ साथ तिरंगा भी है, ये भी है, ये एक आंदोलन का ट्रेंड या प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं कि तरीका बदला है। क्या आंदोलन, हर आंदोलन के साथ हाथ में आपको तिरंगा का झंडा आप दिख सकता है, जो अन्ना आंदोलन से पहले देखने को नहीं मिलता था, लेकिन एक राष्ट्रवाद का एक नया तरीका भी है। ये इस तरीके को भी समझना है कि सामने जिस पंडाल के नीचे ये आंदोलन प्रोटेस्ट चल रहा है, वो भी तिरंगे के नीचे चले, मतलब हर कोई अपने आप की अपनी पहचान तिरंगा के साथ जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये भी एक राजनीति है, और इस राजनीति को भी समझने की जरूरत है। प्रोटेस्ट को लेकर आप यहाँ पे खड़ी बैठी हुई हैं, क्या आप लोग क्या डिमांड क्या आप लोग? सरकार गलत कर रही है, मोदी सरकार गलत है, अमित शाह गलत कर रहा है, हम लोगों की नाइंसाफी कर रहा है, हम लोगों को घर से लाकर रोड पे खड़ा कर दिया। ये सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि एनआरसी हटाए, नहीं तो तख्त छोड़े, एनआरसी हटाए नहीं तो हम लोग इससे भी ज्यादा आंदोलन करेंगे, हम लोग रोड पे अब निकल जाएंगे, गली के बजाय हम लोग रोड पे जाने के लिए तैयार है, ये सरकार को गिराने के लिए हम तैयार है, सरकार इस्तीफा दे नहीं तो ये मसला सुलझाए। मोदी और अमित शाह तो कह रहे थे कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाओं को लाया है, तीन तलाक जैसे मसलों का हमने समाधान ढूंढा है, और फिर ये बातें फिर अब इस तरह से। मोदी और अमित शाह ने तीन तलाक लगाया है, हम इसको अपने दिल से नहीं मानते हैं, मोदी झूठा है, अमित शाह झूठा है, हम आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोलेंगे और बोलते रहेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। क्या मतलब जो चीजें चल रही, लगातार आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन का तरीका भी है, आप लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपने तरीके से, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई हम एनआरसी नहीं लाएंगे, सिर्फ जो पहले जनगणना होती थी। मोदी तख्त पे बैठने से पहले भी झूठ बोला, कल भी झूठ बोला, आज भी झूठ बोला रहे बोलेगा, और झूठे पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता, वो हमेशा झूठ बोलेगा और बोलता रहेगा। मोदी सरकार झूठी है, झूठी है, झूठी है, झूठ बोल के झूठे हैं, वो झूठ बोलते हैं। आज भी उनका हुआ है कि जो कह रहे थे कि एक इंच नहीं हटेंगे, वो झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम एनआरसी नहीं ला रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं वो, कैसे बाबरी मस्जिद का कि इनकी नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा, बाबरी मस्जिद का कि इनकी नहीं की, उन पर बीवी का इज्जत नहीं करेगा, वो आम औरतों की क्या इज्जत कर सकता है, उसको तो सरकार बनाने के लायक ही नहीं था। ये हम सबों से गलती हो गई कि हम लोगों ने सरकार बनाया, अब अपनी इस गलती को हम लोग वापिस लेना चाहते हैं। जो अपने आप अपने घर की इज्जत नहीं कीजिएगा तो मेरी इज्जत कीजिएगा, सबसे पहले इंसान अपने घर की इज्जत करना सीखता है, जो इंसान अपने घर की इज्जत नहीं करे वो बाहर की इज्जत क्या करेगा, इसीलिए झूठी सरकार है, कमीनी सरकार है, गंदी सरकार है। सरकार कहती है कि हम मुस्लिम महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाए हैं, तीन तलाक के विषय पर वो चर्चा करते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने रसोई गैस घर तक पहुंचाई, उससे महिलाओं को सुविधा हो रही है। रसोई गैस उन्होंने हमको चूल्हा जलाने के लिए नहीं,
हमारा इस्लाम जो ला दिया उसी को हम मानते हैं। हम इस्लाम में कोई संशोधन नहीं चाहते, कोई बदलाव नहीं चाहते। मेरा शौहर अगर तलाक दे देगा तो हम मोदी के पास जाएंगे हक मानने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ देंगे। जो हमारा इस्लाम है वही मेरा इस्लाम है। और हम तीन तलाक सदा गलत फैसला लाया है जो मेरा जमीर गवारा नहीं कर रहा है। नहीं, हम आइंदा मरते दम तक करेंगे इसको गवारा। ये मोदी का कानून है, मेरा कानून नहीं, मेरे अल्लाह का कानून नहीं, मेरे इस्लाम का कानून नहीं। मोदी को जल्द से जल्द तक से उठाया जाए। झूठी सरकार, झूठा मोदी, झूठा गवर्नमेंट। कई ऐसे इशूज हैं जिस इशूज को जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, भारतीय संविधान के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में अब ये चीजें सामने आ रही है कि भाई एक देश एक कानून होनी चाहिए। एक कानून कुछ भी नहीं रहा। मोदी और अमित शाह दोनों दो तरह की बात बोले। एक बोलते कि एनआरसी होगा ही नहीं, कोई चर्चा ही नहीं, कोई बात भी नहीं। अमित शाह कहते हैं संसद में कि वो तो होना ही, एक मिनट हटेंगे भी नहीं। किसी कहा तो कोई हिम्मत है तो हमसे बात कर जाके देखे। इसलिए अमित शाह वो ला रहे हैं और उसके हम लोग उसके खिलाफ हैं। हम लोग की लड़ाई चलती रहेगी और कभी हम लोग रुकेंगे नहीं। जब तक हम लोग जीतेंगे नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। वजह क्या है, वजह क्या है, मुसलमान को क्यों हम लोग अलग किए जा रहे हैं? बाहर के लोग को लाएगा, यहाँ का खाना पीना किसी का पूरा नहीं हो रहा। बाहर के देश को और अलग से आदमी बुलाएगा, मांगे इतनी बड़ी उसके बारे में नहीं है। बाहर के आदमी को बुला के रोजी रोटी दीजिएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के हम लोग रहे हुए हैं तो हम लोग को क्या होगा? चलिए ये बड़ी बात है और हम लोगों से हम बात करेंगे। लेकिन ये आंदोलन जी, ये आंदोलन है, इस आंदोलन को अलग नजरिए से भी समझने की जरूरत है। जो खास करके हम महिलाओं की राय जानना चाहते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि इस आंदोलन का एक प्रदर्शन ये भी है कि हाथ में तिरंगा। इससे पहले भी इस तरह के आंदोलन आप होते रहे हैं, हर जगह आप देख रहे हैं कि तिरंगा लहराया जा रहा है। और तिरंगे के सहारे इस राजनीति को कहे या इस सियासत को साधने की भी कोशिश हो रही है। ये एक बड़ी बात है और अपने तरीके से इन चीज़ों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से किसी खास विषय को लेकर एनआरसी के इशूज पे ही हो लेकिन तमाम महिलाएं सड़कों पर है। जो दिल्ली के शाहीन बाग से जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी आज वो पटना के सब्जी बाग तक पहुंच चुका है। और 35 दिन लगातार अगर हम बात करें तो ये आंदोलन के जरा आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्या डिमांड आप करना चाह, क्या आप डिमांड है? हम लोग अपने एनसीआर से खौफजदा हैं, सीए से खौफजदा हैं कि ये जो कानून आ रहा है जिसको हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम भी पीएचडी किए हुए, हम जानते हैं कि इसके अंदर जो खौफनाक कानून है, जो काला कानून है, जिसके तहत पकड़ा जाएगा लोगों को। मान लो हम कुछ मेरे घर के लोग हैं जिनके पास कागज नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं है, भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो फिर इसको खत्म कर दें। कागज को क्यों लेके आ रहे हैं कि एनपीआर क्यों लेके आ रहे हैं, एनपीआर क्यों लेके आ रहे हैं? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के बात पे आपको भरोसा नहीं है? भरोसा लोगों का, मेरा नहीं, सारे लोगों का खत्म हो गया। प्रधानमंत्री कहते भी है कि मुस्लिम महिलाएं हमें वोट दी है, हमने उनके लिए तीन तलाक जैसे मसले को लेकर, रसोई गैस के मसले को लेकर, वो तमाम चीजों को नहीं था उस टॉपिक पे हम लोग बाहर नहीं निकले। तीन तलाक जो है वो उनको नहीं मालूम कि तीन तलाक के बीच में जो हम लोगों का जो इस्लाम है वो तीन तलाक में क्या कहता है। तीन तलाक दरअसल हम लोगों के लिए सही नहीं है। नहीं, वो आप पर भरोसा किए, प्रधानमंत्री बोले कि हम पर भरोसा करते हैं। हम लोग उन पर भरोसा किया, उन्होंने हमको धोखा दिया, हमने भरोसा किया। आप भी बात करिए तो जरा आप भी बताइए क्या आप बात करना चाहते हैं? मैं ये बात करना चाहता, अगर मेरी माँ साहब भी टेंशन में रहेंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? हम लोग का फीस वीस कहाँ से जाएगा? हम लोग कहाँ रहेंगे? हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान।
चलिए ये भी एक आंदोलन का एक आधुनिक भारत का ये एक नई चीजें आप देख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन के बाद ये चीजें देखने को मिली कि आंदोलन को भी कैसे हम उसको उसके हर एक आंदोलन का रुख को हम जोड़ सकते हैं। ये जरा सुनिए, हिंदुस्तान 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 रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। एक और बात है कि इस आंदोलन के सहारे हम चीजों को समझना चाहते हैं कि ये जो एक आंदोलन का तरीका आया है, हर बात को एक प्रोटेस्ट के रूप में, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, आप इस 21वीं सदी के हिंदुस्तान की बेटियां हैं, देश को जिस तरीके से बांटने की कोशिश हो रही है मजहब के नाम पे, आप स्कूल जाती हैं, अपने हिंदू मित्रों से बात करते हैं, क्या लगता है आपको कि ये जो सियासतदानों का जो तरीका है इस पर इनको विचार करने चाहिए? मुसलमानों को NRC के खिलाफ रखा गया इस वजह से। अच्छा, तो ये जो आंदोलन हो रहा है, आप हिंदुस्तान जिंदा, सबसे प्यारा हिंदुस्तान, बाबा साहब, जो नारे लगाए जा रहे हैं, इन नारे के सहारे जो चीजें कहने की, जो कहा जा रहा है, वो आप समझ रही हैं? हाँ, ऑफ कोर्स समझ रहे हैं, समझ तो रहे, बोला तो। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको आप सब लोग घर से आप इस समय आप यहाँ पाई हैं, जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है पूरे देश में धर्म के नाम पर, जैसे कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके विरुद्ध तो आवाज उठाना ही चाहिए, और क्या। जरा आप बताइए, आप, मेरा सीधा सवाल है, ये प्रोटेस्ट चल रहा है, अपने तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रही है, एक नारे के साथ एक आंदोलन, एक प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? हम यही करना चाहते हैं कि मोदी जी ये गलत कर रहे हैं, वो भाई बहन में, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करना चाहते हैं, जबकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का भी है, तो हम लोग मोदी जी को इस काम के लिए सीट नहीं दिए, जो काम है वो आप वो कीजिए, हिंदू मुसलमान में झगड़ा करके उनको कुछ नहीं मिलने वाला, बस यही है। अच्छा, आपको लगता है कि वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं? हाँ लगता है, उनके जिस तरीके से उनका NRC CA का जो कहना है ये, वो तो यही लगता है ना कि वो हिंदू और मुसलमानों को झगड़ा करना करवाते चाहते हैं, उनका ये कहना है कि हिंदुओं का हिंदुस्तान है, जबकि गांधी जी ने ये नहीं कहा था, गांधी जी ने ये कहा था कि हिंदू में, हिंदुस्तान में जो है सब आपस में भारत नाते, ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ हिंदुओं का हिंदुस्तान है, वो तो कहा था कि भारत के नाते, हम है भारत ही, हम ये नहीं कहेंगे हम मुसलमान है तो हमारा हिंदुस्तान नहीं है, जरूरी नहीं कि हिंदुओं का हिंदुस्तान होता है, मुसलमानों का भी हक है, तो आपको ये कहने का हक नहीं है कि हिंदू का ही सिर्फ हिंदुस्तान है। तो आपको लगता है कि ये जो कहा जा रहा है, जो राजनीति सियासत चल रही है, उस सियासत को आप समझ रही हैं? जी समझ रहे हैं कि जिस हिसाब से, भले हमारा दिमाग छोटा है जैसे भी है, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि मोदी जी हम लोगों को एक डिटेक्शन रूम में डाल देंगे, जो कि हम लोग ये सब सहने वाले नहीं है, हम लोग भले ही तरीके से बच्चे हैं, लेकिन इतना तो चाहते कि NRC मतलब किसी हम लोगों को, हम लोग का हक छीन लेना, आप कोई नहीं है जो हम लोगों का हक छीन सकते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम NRC नहीं ला रहे हैं, वो झूठ कहते हैं, वो कभी बात बदलते, अगर सामने, अगर मीडिया वाले सामने आए तो कहेंगे कि हम NRC नहीं ला रहे, मीडिया वाले हट जाए तो बोलेंगे हम NRC ला रहे, ये क्या तरीका है, बोलना है तो सीधा सीधा कहिए, वरना मत कहिए। मतलब बात बदलते इसलिए भरोसा नहीं है? जी सही बोले, बात मोदी जी को अगर कह रहे हैं तो कोई एक बात कहिए जो सही हो, बदल बदल के क्या क्रिकेट है जो बात बदलेंगे। आप कैसा प्रधानमंत्री चाहती है, आप इस देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं?
मैं इस देश में बस ऐसा प्रधानमंत्री चाहती हूँ जो आपस में सबको लेके चले, जो हिंदू मुसलमान को भाईचारा दे के चले, जो किसान की जो जरूरत है, गरीब की जो जरूरत है, उन सबको पूरा करे। बस मतलब एक ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ हर किसी को मिल्लत से प्यार से रहने की जगह। हाँ हाँ, जैसे गांधी जी ने कहा था कि भारत में जो भारतीय नागरिक को एक साथ रहना चाहिए, वैसे ही चाहते हैं और वैसे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं। हम लोगों ने मोदी जी को इस काम के लिए सीट नहीं दिया था कि आप आइए और हिंदू मुसलमान में झगड़ा पैदा कीजिए, ये इस काम के लिए नहीं दिया था सीट, बल्कि जो काम के लिए दिया है वो काम कीजिए, नहीं होता तो प्लीज आप अपनी सीट को रिजाइन कर दीजिए, जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि लड़ाई आपस में लड़ाई लगा के वो सियासत साधना चाहते हैं? हाँ, यही लगता है, यही लगता है। आप किस क्लास में पढ़ती है? सेवेंथ में। क्या नाम हुआ आपका? समरिन नेहा। किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? अलहेरा पब्लिक स्कूल। तो ये लग रहा है कि सातवें क्लास में आप पढ़ रही हैं, आपको लगता है कि देश को बांटने की कोशिश हो रही है? जरूरी नहीं कि इन सब चीजों के लिए सिर्फ क्लास मायने रखता है, इन सब चीजों के लिए हिम्मत चाहिए, भारत नागरिक होनी चाहिए। मेरा फर्ज बनता है कि मैं आऊं इस प्रोटेस्ट में, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि हर किसी का बनता है कि वो आए और इसको करे, ताकि ये मोदी जी के कान में आवाज है। जेएनयू एएमयू में जो भी हुआ उससे मोदी जी को फर्क नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीज मोदी जी को फर्क लगता है, बल्कि मेरा काम ये है कि कल आई विश कि कल सुप्रीम कोर्ट कल कुछ अच्छा खबर दे, हम लोगों की इस मेहनत को वसूल करे, बस मेरा यही कहना है। बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात कर दी है, हमें भाईचारा 21वीं सदी के भारत में हमें मिल्लत चाहिए, आपसे सौहार्द बने रहे, हमें ये चाहिए। ये एक बड़ी बात है कि एक सातवीं क्लास की छात्रा प्रधानमंत्री से या प्रधानमंत्री को लेकर क्या सोचते हैं कि शांति रहे, भाईचारा रहे, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत बने रहे, सरकार इसके लिए चाहिए, ये भी एक बड़ी बात है। और ये देखिए तमाम जो लोग आए हुए, जो देखिए तमाम महिलाएं, ये सियासत बदलते सियासत को एक और हमारे पास एक तिरंगा लहराते हुए एक बच्ची है, जरा उनसे भी बात करते हैं। आपके हाथ में क्या है? झंडा। किस चीज का झंडा है ये? देश का। देश का झंडा है। आप झंडा लेके यहाँ पे पहुंची है, किस लिए पहुंची है? कुछ बोलने के लिए। बताएं आप, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? और हमारे हिंदुस्तान में काला कानून नहीं चलेगा और एनआरसी नहीं चलेगा, एनआरपी नहीं चलेगा, सीएए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम लोग को आजादी चाहिए, इसलिए हम लोग को मोदी जी का कोई भी चीज नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब मोदी सरकार से क्या समस्या है? मोदी सरकार से हमें यह समस्या है कि वो जब से कुर्सी पर बैठे हैं वो उनका यही नारा रहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ना ही बेटी पढ़ रही है और ना ही बेटी बच रही है। और यह भी बोलते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन यह भी अच्छे दिन नहीं आ रहा है। चलिए बहुत बड़ी बात बोल रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कि नारे लगाने वाले प्रधानमंत्री, जरा इस बेटी का ख्याल करिए, ये बेटी भी कुछ कहना चाह रही है, कोई संदेश देना चाह रही है, तो जरा आप हमें ये बताइए, ये क्या आप देश के प्रधानमंत्री को क्या संदेश देना चाहती है? अपने देश को हम प्रधानमंत्री को यही संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी आप अच्छे बन जाइए तो आपको इस देश से कोई नहीं निकालेगा, आप जब अच्छे बन जाएंगे तो आपका सब एहसान करेगा, एहसान मंद रहेगा, अगर वो अच्छे नहीं बन जाएंगे तो फिर हम लोग को गलत चीज उठाना पड़ेगा। आप सुधारने के लिए सड़क पर उतरी हैं? जी। आप प्रधानमंत्री को सुधारना चाहती हैं? जी। क्या नाम हुआ आपका? आयशा। किस क्लास में पढ़ती हैं? टू। चलिए, क्लास टू की छात्रा हैं और ये प्रधानमंत्री को संदेश दे रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के सहारे आप एक बेटी के दिल में तभी बस सकते हैं जब आप भाईचारे और मिल्लत की बात करेंगे। ये एक बड़ी बात है, बदलते हिंदुस्तान के मिजाज को समझिए, जो राजनीति साधने वाले लोग जो राजनीति साधते हैं, जरा इस मिजाज को समझिए, चीजें बदल गई है, देश का मिजाज भी बदल गया है और देश की समझदारी भी बदल गई है। आप अगर ये चाहते हैं कि बांट के हम राजनीति कर ले तो अब वो बहुत पुरानी बातें हो गई, चीजें बदल रही हैं। ये जो आज की जो पीढ़ी, आज की जो बच्ची है, 21वीं सदी की बच्ची है, क्लास टू की बच्ची है, क्लास सेवन की बच्ची है,
और अपने तरीके से देश भी समझ रही है, देश की समझदारी को भी समझ रही है और देश की जरूरतों को भी समझ रही है कि भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि सिर्फ नारे के सहारे आप राजनीति नहीं साध सकते। ये एक बदलते देश की एक बदलती हुई तस्वीर है जो आप देख रहे हैं कि इतनी संख्या में जो महिलाएं खड़ी हैं और देख लीजिए सामने तक दूर दूर तक महिलाएं जो दिख रही हैं। ये एक 21वीं सदी का मिजाज है जहां महिलाओं को आप बहुत सारी चीजें कि आप बात जरूर करते थे लेकिन देख लीजिए नो एनआरसी नो जरा जब पूरा देख लीजिए जरा दूर दूर तक जो बैठी हुई है जरा हम इनसे भी बात करना चाहते हैं। प्रोटेस्ट के लिए बैठी है, क्या प्रोटेस्ट कर रही है आप? एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है और सीए के अगेंस्ट, ये लागू हो गया एनआरसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम एनआरसी नहीं लाएंगे, किसी को कागज दिखाने की जरूरत नहीं, फिर प्रधानमंत्री की इन बातों पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो लोग हमेशा ब्लफ करते हैं, दे ब्लफ ऑल द टाइम। वो लोग सीए लागू कर दिए हैं जिसकी वजह से सारे हिंदुओं को तो मिल जाएगी सिटीजनशिप एंड अब वो लोग जब एनआरसी लाएंगे तो हम लोग सब मुसलमानों को फंसाने का वो लोग सोच रहे हैं। किस क्लास में पढ़ती है? 9th। जरा समझदारी को समझिए, क्लास 3 के बच्चे से आपने बात किया, मैंने क्लास 7th के बच्चों से बात किया और ये क्लास 9th की बच्ची है और ये भी जेएनयू समझती है, जामिया समझती है और अलीगढ़ भी समझती है। तो हिंदुस्तान बदल रहा है और किस तरीके से बदल रहा है जरा इसके मिजाज को भी आप समझिए। और जब जब बात आजादी की होती है, जब बात मिल्लत की होती है और जब भाईचारे की बात होती है तो आज की युवा पीढ़ी की हम बात करें, आज की बच्चियां क्या सोचती है जरा ये भी समझिए। जरा आप ये जो जेएनयू या फिर अलीगढ़ या जामिया की आप बात करते हैं, आपने कहा कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद हमें भरोसा उठा सरकार और सिस्टम से, लेकिन ये लड़ाई पटना के सड़कों पर भी अब लड़ी जा रही है, आप लोग लगातार सड़कों पे हैं, लेकिन ये लड़ाई कब तक चलती रहेगी? ये तब तक चलती रहेगी जब तक हम लोग को भरोसा नहीं हो जाएगा कि वो लोग ये कानून वापस लेंगे और हमें हिफाजत से रहने को मिलेगा। प्रधानमंत्री तो चीख चीख के कह रहे हैं, प्रधानमंत्री तो चीख चीख के कह रहे हैं, वो तो चीख चीख के बहुत कुछ बोलते हैं बट वो अपने अल्फाजों पे कायम रहते ही नहीं है कभी। अमित शाह कुछ बोलते हैं, मोदी जी कुछ बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को झूठा बोलते हैं। They all lie and bluff all the time, and it's a 100% thing that we cannot trust them at all. चलिए इस मिजाज को समझिए और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ये खुद भी समझने की कोशिश की और कि आंदोलन का जो मिजाज है या 21वीं सदी में जो चीजें बदली हैं उसका असर क्या इस तरह के आंदोलन में भी देखने को मिलेगा, इसी के सहारे हम इन चीजों को समझने की कोशिश की। जो प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट इतना लंबा खींच रहा है फिर भी लोग डटे हुए हैं और खास करके महिलाएं डटी हुई और इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जिसको लेकर कई तरह के ऑर्थोडॉक्स बात की जाती है वो महिलाएं तिरंगा के साथ सड़कों पर है। तो मतलब अब चीजें बदल रही है, राजनीति का मिजाज बदल रहा है, समझदारी भी बदल रही है। इस दौर में सियासत को साधने की जो कोशिश चल रही है हमें लगता है कि उस लैंडमार्क को भी बदलने की जरूरत है कि जिस तरीके से पांचवी छठी और सातवीं और दूसरी की बच्चियां इतनी समझदारी की अगर बात करें तो सवाल भरोसा का जरूर उठता है। चलिए इस कार्यक्रम को हम यही समाप्त करते हैं और शहर शहर ये जो कार्य पूरे पटना से नहीं पूरे बिहार से जहां कहीं भी इस तरह से प्रोटेस्ट में लोग बैठे हैं इस प्रोटेस्ट को की सच्चाई क्या है। अच्छा एक और सवाल है कि ये कहा जाने लगा है कि आप लोगों को ये कहा जाने लगा है कि आप लोगों को पैसे देकर बुलाया जा रहा है, पैसे देके बुलाया जा रहा है। अभी उन्होंने एक भाषण दिया, कितने पैसे किस किस को देंगे, इतना ही बजट होता कांग्रेस के पास तो वो लोग इलेक्शन नहीं जीत के होते। ईवीएम को अपने आप काबू में करके और 3-4 मतलब चैनल को खरीद करके वो लोग अपना मतलब ये नहीं कर लिए होते, इलेक्शन नहीं जीत गए होते अभी तक। आज भी एक बीजेपी के सांसद रवि किशन जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उन्होंने कहा कि सभी लोगों को 500-500 रुपये इन लोगों को दिया जाता है। हम लोगों को कोई पैसे नहीं देके बुलाया जाता है। We are here to protest of because of our rights and because of our
मतलब इक्वालिटी, ओके हम लोग को इक्वालिटी चाहिए, हम लोग को अपना राइट्स चाहिए बस, हम लोग को कोई पैसे नहीं दिए गए। चलिए जरा आप मीडिया काट के दिखलाता है, मीडिया चाय नहीं दिखलाता है, हमें मीडिया से बहुत बड़ा शिकायत है। आप आते हैं एक घंटा इंटरव्यू लेते हैं, हम तो टीवी खोल के देखते हैं, कहाँ आपको दिखाते हैं, इतना बड़ा चैनल धरन हुआ यहाँ से लेके वहाँ तक, आप इसको दिखलाइए, लाइव टेलीकास्ट कीजिए, आप सी बात है फॉर्मेलिटीज निभाते और चल जाते हैं, पब्लिक को दिखलाइए, उजागर कीजिए, देखिए क्या है, मर्द से ज्यादा औरतों का भीड़ है, आप औरतों का भीड़ देखिए, ये दिख रही है, आप इंटरव्यू एक बच्चे से कंटिन्यूस ले रहे हैं, देखिए कितनी ब्रेविंग इंटरव्यू दे रही है बच्ची। जरा इन बच्ची का इंटरव्यू आपने सुना कि क्या बोल रही है? बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छी, ये चीजें तो जानी चाहिए ना, ये चीज जानी चाहिए टीवी पे, आप टीवी पे इसको दिखाइए, ये दिख रही है जरूर, बेशक दिख रही है, मगर आप इंटरव्यू लेने के बाद पैक होकर मत रह जाइए, आप मोदी मीडिया मत बन जाइए कि आप बिना परमिशन के नहीं दिख रहेगा। अभी तो हालात ऐसा हो गया है कि यहाँ से प्रिंट जाता है कुछ और, गोदी मीडिया जब तक परमिशन नहीं मिलता वो देखता नहीं। बस हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि आप जो भी चीजें सच्चाई दिख रही है, पब्लिक जो बोल रहा है वो उसको अवगत कीजिए, पब्लिक से उसको ओपन कीजिए, टीवी भी दिखला दिया, हम लोग दो दो घंटे टीवी देखते रहते हैं, अब कुछ नहीं देता है, आपका सी टीवी से है, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप सब्जी विभाग में आए हैं और आपसे उम्मीद है कि आप इस चीज को लाइव टेलीकास्ट दिख रही है, कम से कम पटना वासी को दिख रही है, मत दिख लीजिए आधा स्टेट में, कम 10 मिनट का क्लिप चलाइए, जरूर आप उसी बोली क्या बोला, मीडिया पे भरोसा नहीं, भरोसा आप पे हो सकता है, आप दिख लीजिएगा तो आपसे आपसे हमारे लिए हमदर्द है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो बेशक दिख लीजिएगा, ये सारे हिंदुस्तानी औरतें से आप मोहब्बत करते हैं, ये औरतें से, ये बेटियां से मोहब्बत करते हैं, आज जो हालात है मुल्क का बना हुआ इससे आप गहराई दिल से मोहब्बत करते हैं, आप मीडिया में आप भी, आप एक हिंदुस्तानी हम भी एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के लोगों को सच्चाई दिख रही है क्या है, मीडिया पर लोगों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा, मीडिया कुछ कहता कुछ है दिखलाता कुछ है, मीडिया कम्प्लीट, मीडिया कम्प्लीट गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, बिका हुआ मीडिया हो चुका है। मैं पार्टिकुलर कशिश टीवी को ये नहीं बोलना चाहता हूँ, कशिश टीवी बिहार का एक ऐसा चैनल है जिसके बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ कम है, क्योंकि ये कम से कम इतना हम जानते हैं कि बिहार के वासियों का दुख दर्द जरूर दिखलाता है, ये उम्मीद है, मुझे आपसे भी उम्मीद है कि आप जो आज सब्जी बाग का जो शाहीन बाग बना हुआ है, आप इससे लाइव टेलीकास्ट, आप इस टेलीकास्ट को दिखाइए, बेशक दिखाइए। चलिए अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और शहर शहर शाहीन बाग, हमारी कोशिश है कि हर जगह प्रोटेस्ट स्वाभाविक है, गुस्सा भी स्वाभाविक है, अपने तरीके से अपनी बातों को रखने की पूरी आजादी है, और हमारी भी कोशिश है कि उस आजादी का भी सम्मान करें। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर शहर शहर शाहीन बाग में किसी और शहर के हालात से या आंदोलन से हम आपको परिचित करेंगे, फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।